नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। बिना विरोध के तालिबान काबुल तक, ताज तक तो पहुंच गया, लेकिन अब ताज में कई कांटे हैं जो तालिबान को चुभ भी रहे हैं। बेखौफ अफगानिस्तान की जनता इस समय सड़कों पर उतर आई है। महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। पंजशेर ललकार रहा है। वहीं दुनिया फिलहाल तालिबान को मान्यता देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जब तक महिलाओं को अधिकार ना मिले, जब तक प्रजातंत्र ना हो, और वहीं तालिबान की तरफ से कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं कि तालिबान शरिया से चलेगा। कोई सड़कों पर नारेबाजी कर रहा है, कोई बैनर पोस्टर लेकर विरोध पर उतर आया, कोई अफगानी झंडा लहराने लगा, तो कोई झंडे को चूम कर उस पर जान कुर्बान करने की बात करने लगा। ये है डर के आगे अफगानिस्तान वाला तेवर। अफगानिस्तान का झंडा अब तालिबान के लिए चुनौती बन रहा है। जलालाबाद में चंद आजादी परस्त दीवानों ने तालिबानी गोलियों की परवाह नहीं की और सड़कों पर विशाल झंडा लेकर निकल पड़े। तालिबानियों ने इस हिमाकत पर गोलियों की बरसात की, पर लोगों में गोलियों का डर अब कहां रहा। जलालाबाद वाली तस्वीर काबुल में भी दिखी। यहाँ भी फ्लैग मार्च में शामिल लोगों को डराने के लिए तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की। अब इन शख्स को देखिए, इन्हें तालिबान का कोई खौफ नहीं। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन ये राजधानी काबुल में अब्दुल हक चौराहे पर सरेआम झंडा फहरा रहे हैं। खंबे पर झंडा लहरा रहा है और नीचे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। शहर शहर ऐसे ही तस्वीरें दिखी। हाथों में अफगानिस्तान झंडा और जुबा पर आजादी के नारे। महिलाओं ने भी मार्च निकाला। डर के आगे अफगानिस्तान है। तालिबान खौफ फैला सकता है, लेकिन दिल नहीं जीत सकता। आज भी लोगों के दिल में अफगानिस्तान बसता है। एक बुजुर्ग महिला का अफगानिस्तान का झंडा चूमते हुए वीडियो वायरल है। महिला कह रही है, इसे नहीं हटाओ, मैं इसे बेहिसाब प्यार करती हूँ, इसे मेरा कफन बना दो। तालिबान ने अफगानिस्तान के ताज पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस ताज में कई कांटे हैं। बेखौफ जनता सड़कों पर निकल आई। ये बगावत थमने वाली नहीं है। दुनिया भी तालिबान को मान्यता देने के खिलाफ है। पंजशीर में शेरों की दहाड़ और तेज हो गई है। नॉर्थ एयरलाइंस अलग से मोर्चा संभाले हुए है। नॉर्थ एयरलाइंस के जाबाज सालेह और अहमद मसूद भी तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। अब देखना ये है, तालिबान अपने ताज के कांटों को निकाल पाता है या फिर ये कांटे उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें लहूलुहान करते हैं। आज तक ब्यूरो। तालिबान के खिलाफ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पंजशीर से आ रही है, यानी अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति थे अमरुल्ला सलेह, जिन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया, और पंजशेर का शेर कहे जाने वाले ताजिक नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, उनके साथ 10,000 लड़ाके और अफगानिस्तान की सेना के कई और लड़ाके अब उनके पास आ गए हैं। अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो भी पंजशेर पहुंच चुके हैं। तो ये जो पहली चोट है, ये क्या यही मिलेगी? नॉर्दर्न अलायंस ने एक बार फिर स्वतंत्रता का जो झंडा है उसे बुलंद कर दिया है। ये है तालिबान के ताज के बड़े कांटे।
ये है तालिबान के खिलाफ चुनौती की तस्वीर, ये है तालिबान के खिलाफ कारवा, ये है तालिबान के कब्जे से चारिकार जीतने के बाद का जश्न। तालिबान का तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है, लेकिन काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान का वो आखिरी शहर जो आज भी आजाद है, यहाँ बगावत की चिंगारी अब भी जल रही है। दस हजार लड़ाके और नॉर्थ एयरलाइंस के लहराते झंडे की तरह आसमान से भी ऊंचा इनका हौसला तालिबान को ललकार रहा है। एयरलाइंस के दो शेर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। मसूद ने हमेशा से पंजशीर के किलेबंदी बनाए रखी, तो अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी उनके साथ आ गए। तालिबानी कब्जे के बाद साहिल काबू से भागकर पंजशीर आ गए हैं और खुद को कार्यवाह राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने अहमद मसूद से तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने की मदद मांगी है। अहमद मसूद ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख भी लिखा है, मैं पंजशीर घाटी में हूँ, अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने को तैयार हूँ और मेरे साथ मुजाहिदीन लड़ाके जो एक बार फिर तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद आया अहमद मसूद का ये बयान सुनिए। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the woman. And they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past two, three days. अहमद मसूद ने कहा कि अफगानी सेना के कई जवान अपने हथियारों के साथ उनके साथ आ गए हैं। उनमें अपने कमांडरों के घुटने टेक देने से भारी नाराजगी है। मसूद ने कहा कि उनके पास तालिबानियों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। आज तक ब्यूरो। और इस समय एम्बेसडर अब्दुल बासित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर बासित पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर, पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं, भारत में जर्मनी में एम्बेसडर रह चुके हैं। एम्बेसडर बासित स्वागत है आपका आज तक पर। इस समय जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर जो महिलाएं निकलकर आ रही हैं, ख्वातीन इस समय सड़कों पर हैं आजादी के लिए, या अफगानिस्तान का झंडा लेकर जो लोग आ रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस की जो बात चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो अब अफगानिस्तान का मामला है और अफगानिस्तान के लोगों ने ही इसको सॉल्व करना है, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश यकीनी तौर पे ये है कि मामलात जो हैं वो पीसफुली सेटल हों, सिविल वॉर की तरफ मामलात ना जाएं, खाना जंगी ना हो, खून ना बहे, ये हमारी कोशिश है और हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं मुस्तकिल मुख्तलिफ लेवल्स पे। और हम तमाम स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में जो हैं, हमारी हुकूमत उनके साथ इन टच है जी। तो हमारी दुआ तो यही है कि कोई ऐसा खाना जंगी ना हो, सिविल वॉर ना हो, क्योंकि अच्छा, उसका बराह रास्त असर हमारे पाकिस्तान पे होता है। क्योंकि और इसी सवाल पर मैं आ भी रहा था कि अफगानिस्तान से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान शरिया से चलेगा, तो क्या इसका असर पाकिस्तान पर भी होगा? पहली बात। दूसरी बात, लगभग 5000 लोगों को अलग अलग जेलों से रिहा कर दिया गया है और उसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के भी लोग हैं, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, जहां तक शरिया का ताल्लुक है, कोई भी मुसलमान शरिया के खिलाफ नहीं हो सकता। सिर्फ डिपेंड ये है करता है कि आप शरिया की इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं। पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक रिपब्लिक है और हम तो इसमें बड़ा प्राइड लेते हैं कि यहाँ पे भी इस्लामिक शरिया हो, लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है और हम यही चाहते हैं कि जो इस्लाम का एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है, जो कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन है, उसके तहत शरिया नाफिज होनी चाहिए। अगर तालिबान ऑब्वियसली 90s की शरीयत लेकर आएंगे तो बहुत से लोगों को कंसर्न होगा उस कॉन्टेक्स्ट में। और जो अभी आप जमीन पर स्थिति देख रहे हैं उससे आपको क्या लग रहा है? जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को किसी तरह बस एयरपोर्ट पर ले जाना चाहती हैं या लोग प्लेन से लिपट लिपट कर भागने का की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या तालिबान का डर है? क्या हो रहा है इस समय अफगानिस्तान में आपकी नजर में?
अब देखिए, ये तो तालिबान चूंकि कंट्रोल अब ऐसा ऐसा संभालेंगे, जो मैं बाहर से ही बैठ के एज ए पाकिस्तानी ही कमेंट कर सकता हूँ, बाकी तो वो उनका अपना मुल्क है। देखना ये है कि देखिए, तालिबान को भी आप पूरी तरह मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से हालात पिछले 18 माह या 2 सालों में हुए हैं, उसमें हम सब जानते हैं कि क्या रोल रहा है अमेरिका का। उन्होंने जल्दबाजी की, तालिबान के साथ उन्होंने इंगेजमेंट की, विड्रॉल अपनी अपने अपनी विड्रॉल को फैसिलिटेट करने के लिए। फिर दूसरी तरफ अभी जो है कि इट्स टू अर्ली इन द गेम, मेरे ख्याल में अब यकीनन कुछ लोग होंगे जो तालिबान के रूल से खाइफ होंगे। एक इसमें भी कोई मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि बदकिस्मती से कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। हमारी कोशिश ख्वाहिश ये नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि तालिबान दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठ के कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल लें जहाँ पे वो जो उनके इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान तो इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन अभी जो आगे मामलात हैं हुकूमत के, वो अहसन तरीके से चल सके। जी, लेकिन 5,000 जिसमें अलकायदा के भी आतंकवादी हैं, जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के भी आतंकवादी हैं, मुल्ला फकीर मोहम्मद समेत इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं, उनको छोड़ दिया गया, तो ये जो 5,000 लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान आएंगे, टेरर अफगानिस्तान में होगा, टेरर पाकिस्तान में होगा, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अपना गौरव अगर आप माइंड नहीं कर रहे तो मैं बात करूं, क्योंकि असल मामला ये है कि जितनी भी ये TTP वगैरह हैं, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा कंसर्न है। और माजी में जब तालिबान की हुकूमत नहीं भी थी तो TTP को तो बहुत स्पेस मिलती रही वहाँ पे, सच्ची बात तो यही है। और TTP पिछले 16-15 सालों में, अगर आप मुझे ये कहने की कोशिश करें कि TTP बिल्कुल डॉर्मेंट हो चुकी थी और अब वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगी, तो मैं ये आपका आर्गुमेंट रेस्पेक्टफुली मानने से तैयार नहीं हूँ। क्योंकि TTP तो देखिए, उनको तो फाइनेंस टेरर फाइनेंसिंग भी उनकी होती रही, वो कहाँ से होती रही आप भी जानते हैं। नहीं, लेकिन और फकीर मोहम्मद तो जेल में थे जब तक फकीर वहां मोहम्मद पर, ठीक है, लेकिन और कब जेल छूटे? जब तालिबान की सत्ता आई। तालिबान की सत्ता का कौन समर्थन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है, ऐसा कहा जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट साहब। नहीं, ठीक, मैं बात समझ, देखिए जहां तक तालिब अगर फकीर मोहम्मद जेल में थे, लेकिन TTP के फुट सोल्जर्स तो अफगानिस्तान में फैले हुए थे, और उनको कौन नहीं जानता कि जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है अफगानिस्तान की, जिसको भारत की बड़ी सपोर्ट हासिल है, वहां से उनको सपोर्ट हासिल रही। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पिछले इवन 20 सालों में भी, कि हम TTP, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी, जिनको बाहर से सपोर्ट हासिल रही, पाकिस्तान को उन्होंने गैर मुस्तहकम करने की हर कोशिश की। तो ये जो 5,000 लोगों के आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर इसमें वाकई TTP के लोग हैं तो हमारे लिए एक कंसर्न तो होना चाहिए, क्योंकि TTP, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि, और आप भी जानते हैं, कि तहरीक तालिबान ने ये बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो नहीं चाहते कि उनकी जो सरजमीन है वो किसी के खिलाफ भी दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल हो। तो हम उनके साथ भी इन टच हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी इन टच हैं, और हम ये भी होप करेंगे कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी अपना किरदार मस्बत तरीके से निभाएंगे, रादर देन कि अब वो फिशर्स को स्ट्रोक करें अफगानिस्तान में, उसको सिविल वॉर की तरफ लेकर जाएं। ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा नहीं, क्योंकि हमारी सब। जी, जी अगर आप जमीनी स्थिति देखें, तो अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में समस्या थी और अब जब तालिबान की सरकार आ गई, तब तो पाकिस्तान को बहुत खुश होना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री इमरान खान तो बहुत खुश हैं, वो तो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। तो फिर ये तनाव कैसा, जब TTP ये कह रहा है कि वो तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे, तो इससे तो और टेंशन बढ़ना चाहिए, पहली बात। और आप एनालिस्ट हैं, आप इस रीजन के, आप इस रीजन को बहुत भली भांति समझते हैं, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या टेरर बढ़ेगा या टेरर कम होगा? नहीं, टेरर तो देखिए डिपेंड करता है, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं TTP बशमूल TTP के, इनको भी देखिए ना, कहीं से सपोर्ट तो हासिल है।
अगर आप ये कहें कि मैं लेट मी बी ब्लंट, यू नो, भारत भी इनको सपोर्ट करता रहा है और कर शायद कर भी रहा है, अभी तक कर रहा है, तो भारत एक क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है जो तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है, तालिबान, क्योंकि देखिए तालिबान ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि उनका टीटीपी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने तो बड़ा वाजह तौर पर अपने बयान में वैसे कह दिया ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चाइना भी अभी घबरा रहा है, और अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तो लश्करे तैयबा, जैशे मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क सबकी बात की, सभी समय अफगानिस्तान में लड़ भी रहे हैं और सभी को पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन सभी पाकिस्तान के की सरपरस्ती में ही पनप रहे थे। देखिए गौरव, मसला ये है कि भारत का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं अब चूंकि साबिक सफारतकार हूँ, अब मैं भारत में हाई कमिश्नर नहीं हूँ पाकिस्तान का, तो मुझे ज़रा सोचने की ज़्यादा आज़ादी भी है। एक बड़ा मसला भारत का ये है कि उसको पाकिस्तान का कहीं ऑब्सेशन है, और वो पाकिस्तान और उसने अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे जो भी किया है उसमें भारत, उन्होंने जो पाकिस्तान मुखालिफ कुवतें हैं उनको भी प्रमोट करने की कोशिश की है और बहुत फंडिंग की है। हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं, हमने शेयर भी किए हैं। दूसरा मामला ये है भारत का कि वो पाकिस्तान के साथ जो हमारे मसाइल हैं, खास तौर पे जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ा है उसको हल नहीं करना चाहता। लेकिन भारत उसमें भी को तालिबान ये कह रहा है कि वो कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, वो इंडिया पाकिस्तान का है, वो उसमें नहीं आएगा। तो चलिए, क्योंकि अभी ये तो डिस्कशन हमें हमें अफगानिस्तान के ऊपर है क्या, नहीं और हमें यही मैं पूछ रहा हूं कि देखिए, आप जी लोगों ने तालिबान का समर्थन किया, अब पश्तून मूवमेंट आपके देश में बहुत जबरदस्त है, वो लोग आजादी चाहते हैं, पश्तून मूवमेंट अफगानिस्तान में भी अब बढ़ेगा, तो क्या आपके लिए टेंशन इससे और बढ़ेगा पाकिस्तान के रूप में? मैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूं सर। देखिए, जहां तक पश्तून मूवमेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, पश्तून पाकिस्तान में ज्यादा रहते हैं बनिस्बत अफगानिस्तान के, जी तो जी ऐसी जी हमें तो कोई इस किस्म की परेशानी नहीं है। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, तालिबान ने हमें एश्योरेंसेस दिलवाई हैं, जिस तरह और मुल्कों को उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन लेकिन अभी इसको वो ड्यूरेंड लाइन को भी नहीं मानते, और ड्यूरेंड देखिए लाइन को आप तो वो नहीं हमें मानते, दोनों तरफ पश्तून लोग ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानते। मैं इस प्रश्न के साथ छोड़े जाता हूं, आज मेरे पास समय सर इतना ही है, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यहां ये उठता है कि जो पाकिस्तान को लग रहा है कि अच्छा समय उसका आ गया, क्या असल में आ गया या समस्याएं अब शुरू होंगी? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।